और ये चूल्हा तैयार हो गया, आग जल गई है, देखो बस बनने वाला है हमारा सामान। चावल रेडी हो चुका है। कितने किलोमीटर का ट्रैक है? ये करीब 2 किलोमीटर ट्रैक है हमारा। 2 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा, पूरा जाएंगे बस लास्ट। गाइस गुड मॉर्निंग, नमस्ते, कैसे हैं आप? आई होप सब बढ़िया होंगे दोस्तों, जहाँ देंगे व्यस्त होंगे। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ दोस्तों आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं, आपसे कुछ बात करते हैं। तो आपका स्वागत करते हैं उत्तराखंड की हसीन और खूबसूरत वादी में। तो दोस्तों आज भी ना हम लोग अपना ब्लॉग जो है ना अल्मोड़ा से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और आज है संडे का दिन, तो कुछ देखते हैं कहीं जाने का होता है तो हमारा। तो अभी मैं अपने रूम पर ही हूँ, तो आज का ब्लॉग ना कुछ अलग होने वाला है। तो अपने सर लोग से पूछते हैं कि आज का ब्लॉग किस प्रकार का रहने वाला है, तो हमारे सर लोग ही बताएंगे, तो उनसे मिलते हैं हम लोग जल्दी। और हम लोग निकल चुके हैं रूम से अल्मोड़ा चौहान पाटा की तरफ, क्योंकि वहाँ पर हमारे सभी लोग वेट कर रहे हैं, तो हम लोग से निकल चुके हैं। गाइस हम पहुँच चुके हैं आपका अल्मोड़ा मार्केट लाला बाजार। तो दुकानें देख सकते हैं बंद है दुकानें आज, क्योंकि आज ना संडे है, तो संडे को यहाँ पर दुकानें बंद रहती हैं, और वैसे अलग से दुकानें खुलती हैं। संडे मार्केट देख सकते हैं, कुछ कुछ दुकानें खुल रही हैं, जैसे एमरजेंसी में आपको होटल खुले, रेस्टोरेंट खुले हैं, और सब्जी की दुकान आपको यहाँ पर दिखेंगी, और बाकी दुकानें बंद हैं यहाँ पर। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं जहाँ पर हमारे सब लोग हमारे वेट कर रहे थे, हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं। मिर्ची तो भी हम लोग ले रहे हैं, सब्जी यहाँ से प्याज टमाटर ले रहे हैं, और मसाले ले रहे हैं। ले लिया सर? ले लिया, जल्दी करो सर, 2 बज गए, नाइट स्टे है क्यों यहाँ? गाइस सारी सब्जियां ले ली गई हैं, टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सारा। तो दोस्तों इतना सामान हमने ले लिया है, ये मूली भी ले जा रहे हैं सलाद के लिए, और ये भी है, ये मूली के पत्ते ही लग जाते हैं ना बैग में रखे, इतना सामान ये है। चलो भाई मिलते हैं फिर, चैनल भी अपना माही पहाड़ी ब्लॉग्स करके सब्सक्राइब ब्लॉग्स करें, इनका डालेंगे। ये है हमारी कुरेशी जी की दुकान, मीट की दुकान, फेमस दुकान है अल्मोड़ा में, आइए जरूर यहाँ पर, ठीक है। सामान हम लोगों ने ले लिया है, वो अपना जो भी था हमारा, वो ये जा रही है दोस्तों बागेश्वर। डिसाइड नहीं हुआ है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं, तो अभी कंफ्यूज में हैं सारे लोग, तो सर लोग बताएंगे। अभी ये 2-3 सर हमारे नीचे भी हैं, तो उनसे पता करते हैं कि आज का ब्लॉग किस प्रकार का होने वाला है, कहाँ जाने वाले हैं हम लोग, तो वही सर लोग बताएंगे हमें। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, वेरी वेरी लॉन्ग टाइम आफ्टर सो मेनी ईयर्स, हमारी ये एक दिली तमन्ना थी कि हम इस तरह से अपने स्टाफ के साथ पार्टी करें, कि थोड़ागढ़ में नहीं हो पाया, बागेश्वर में भी नहीं हो पाया, फाइनली आज अल्मोड़ा में ये करने जा रहे हैं पार्टी, जंगल पार्टी। और ये आ गए हमारे सर, आज लगाया हमने महेंद्र का गाना जिसका हमेशा बैकग्राउंड म्यूजिक रहता है। अच्छा सुनो ये वाला है, अब बताओ। तो भाई जी ले लिया हमने टेक बनाने के लिए, और ये है पानी। तो सर से पूछते हैं आप कहाँ जाने वाले हैं, आज का ब्लॉग किस प्रकार का रहने वाला है, सर लोग से पूछते हैं, ये हमारे मेन है। तो सर बताइए सर आज का ब्लॉग क्या है, मतलब कहाँ जाने वाले हैं हम लोग, ब्लॉग किस प्रकार बनने वाला है, वहाँ से बल्टा की ओर जाएंगे, आगे का हाल हमारा ब्लॉगर भाई माही बताएगा। तो पार्टी पार्टी होने वाली आज, अभी ऐसा कोई डिसाइड नहीं किया है, हम मेन है आज एंटरटेन कराएंगे आप, ठीक ठीक। तो सर लोग तो चले गए हैं कार में, और हम लोग जाएंगे 2 व्हीलर से, अपनी स्कूटी से, अपने बाइक से जाएंगे हम लोग। तो गाइस आज ना कुछ अलग पार्टी होने वाली है, हम लोग कहीं जंगल में यानी बल्टा साइड को जा रहे हैं हम लोग, वहीं पर हम लोग पार्टी करेंगे। और हम लोग जहाँ तक है मटन बनने वाला है, मटन चावल बनने वाला है, तो वहीं हम बनाएंगे आज। जय शनिदेव का मंदिर, जय जय शनिदेव। तो गाइस हम लोग निकल चुके हैं अल्मोड़ा से सीकर से बल्टा की तरफ, हम लोग ना एक चीज़ भूल गए हैं, डिस्पोजल बर्तन भूल गए हम लोग, प्लेट व्लेट जो होती है ना, प्लेट ग्लास जो होती है हमारी, डिस्पोजल हम लोग भूल चुके हैं। तो पता करते हैं दुकान में, अगर मिल जाए तो डिस्पोजल हमें। तो ये जाता है कसार देवी को, बल्टा को ये जाता है, इसी रास्ते में जा रहे हैं हम लोग।
तो ये चलेगा सीधे आपका कसार देवी को और ये है हमारा सीधा बल्टा को। तो हम लोग ना जल्दीबाजी में हमारे प्लान बना है कि जल्दीबाजी में यानी अचानक बना है प्लान। तो ये जो जल्दीबाजी वाला होता है ना इसमें बहुत मतलब भूल चूल हो जाती है, मतलब बहुत लोग हम लोग जल्दीबाजी के चक्कर में हम लोग बहुत कुछ भूल जाते हैं। तो माइंड में चलता है कि हम लोग क्या भूले क्या भूले। तो हम लोग जो मेन चीज़ है ना हमारी, हम वो भूल गए हैं, माचिस भूल गए हैं। बताओ किससे हम लगाएंगे आग, प्लेट और गिलास भी भूल गए हम लोग। तो मेन चीज़ हम ये भूल गए हैं। तो जल्दीबाजी में काम यही होते हैं। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्दीबाजी में काम बिल्कुल ना करें, नुकसानदायक होता है जल्दीबाजी में काम करना और प्लान बनाना जो भी है। तो आप दोबारा जाना पड़ेगा हमें कहीं मार्केट, शायद अल्मोड़ा या कसारदेवी को देखते हैं। और हम लोग जा रहे हैं सीधे बल्टा की तरफ। तो सर लोग बोले थे कि हमें लकड़ी का इंतजाम करना, तो हम लोग अब लकड़ी ढूंढते ही जाएंगे। जहाँ पर हमें लकड़ियाँ मिलेंगी तो हम उनको इकट्ठा करते रहेंगे। तो मेरे ब्लॉग में ना दो लोग आज पहली बार आएंगे मेरे ब्लॉग में, मतलब और जितने भी लोग और हैं हमारे साथी ये आ चुके हैं मेरे ब्लॉग में कई बार। तो लोग आपको नए देखने को मिलेंगे हमारे ब्लॉग में। तो एक है हमारे लोकेश सर और एक हमारे विनीत सर। तो आपको ये दो लोग आपको नए नजर आएंगे हमारे आज के ब्लॉग में। और अधिक सभी लोग हमारे ब्लॉग में एक एक बार या कई बार आ चुके हैं। वर्मा जी तो कई बार आ चुके हैं हमारे ब्लॉग में। तुम कितने बार आ गए? बहुत बार आया हूं, मैं बहुत फेमस हो गए। तो गए यहाँ पर स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही अब, और स्कूटी ना स्टार्ट नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। और हम लोग भी ना मतलब देखते हुए जा रहे हैं कि मतलब कहीं भी लकड़ी मिल जाएगी उठा लेंगे, ऐसा हो रहा है। बताओ यार रोड तो खराब है ना, लेकिन लोकेशन मजा आ गया, एरिया को देखकर मजा आ गया, लेकिन थोड़ा रोड तो खराब है। अब गाँव की रोड भी फिर होता है ऐसी है। ओ जरा मठू मठू हीटे झावर गिरली मेर सुमना, पहाड़ का बाटा खुटी रड़ली मेरे गपना। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं, यहां से हम लोग आगे को जाएंगे। गाइस गाइस गाइस, तो गाइस ये है गाइस, कितने बड़े बड़े पत्थर है देखो आप लोग। हम लोग पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर हम गाड़ी अपनी पार्किंग में लगाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे। यहाँ से अंदर को रास्ता है, वहाँ को हम लोग जाएंगे। और हमारे गाइड जो है, गाइड ये हमारे ये बताएंगे हमें। ओहो ये देखो ऊंचाई पर आ गए हम लोग, क्या पहाड़ है यार, मजा आ गया यार। अरे ब्लॉगर भाई साहब, जी जी। तो सामान निकाल रहे हैं हम लोग, डेग भी निकाल रहे हैं भाई, ये पकड़ लो डेग। हाँ डेग मेरे इस हफ्ते ही आया, डेग मैं ही ले जा रहा हूँ। देखो इसमें बनेगा आज मटन चावल, इसे बनने वाला है डेग में ही। तो कितने किलोमीटर का ट्रैक है? करीब 2 किलोमीटर का ट्रैक है हमारा। पूरा जाएंगे बस लास्ट। तो हम लोग पहुंचने वाले ही हैं अपनी लोकेशन पर। तो बल्टा है जगह का नाम, वहां पर जाने वाले हैं हम लोग। तो ये दे दे मुझे डेग, डेग में बनने वाला है आज मटन, बनने वाला है डेग में और चावल बनने वाला है, मटन चावल बनने वाला है आज हमारी पार्टी में। तो बने रहिए हमारे साथ, और ट्रैकर हमारे ये हमारे गाइड है पानी। देखो गाइस किस प्रकार से रास्ता देखो आप लोग। तो सब लोगों की डिमांड थी कि सुनसान नहीं होना चाहिए, म्यूजिक बजाओ, म्यूजिक लगाओ। तो इसलिए हमने म्यूजिक लगा दिया। अब तो हम लोग भी बढ़ रहे हैं आगे को, और कुछ सर लोग हमारे आगे चले गए हैं और कुछ साथी हमारे पीछे आ रहे हैं। रास्ता दिखाता हूँ आपको, रास्ता बड़ा डेंजरस है, देखो आप खतरनाक रास्ते हैं। देखो दोस्तों यहाँ पर नदी क्रॉस करनी पड़ती है हमें। छोटी सी नदी है, देखिए मैन वर्सेस वाइल्ड में आज हमारे साथ लोकेश सर आए हैं। आइए सर, आप न्यू पर्सन है हमारे आज के हमारे ब्लॉग में, हमारे ब्लॉग में आइए सर, आइए। तो सर आपको कैसा लग रहा है माही पहाड़ी ब्लॉग में, आप पहली बार आ रहे हैं सर आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। अरे सर का पैर बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यहीं से ऊपर। सर
देखो दोस्तों हम लकड़ी ढूंढ के भी लाए हैं। तो तुमने पत्थर लगे हुए देखिए जो आज के समय में टूट गए, ये घट का काम करते थे और पूरा पानी घूमता था यहाँ पर ऐसे करके, जो ये एरिया है यहाँ पर ऊपर से उस वाले द्वार से जो भी आदमी को आटा चावल जो भी पीसना है वो इस पर डाला जाता था। उत्तराखंड की एक पुरानी विरासत समझ लीजिए, ये टेक्नोलॉजी है दोस्तों समय की। हमारे आजकल डीजल जो हमारे माहौल में प्रदूषण कर रहे हैं और अनेक तरह के हमारे चक्की हैं, ये पंचक्की हिंदी में कह सकते हैं और हमारे पहाड़ी में से घट कहा जाता था। अच्छा, ये भी आपको आजकल देखने के लिए भी नहीं मिलेगी। इसकी आप बनावट देखिए इतनी पुरानी है कि आज तक नदी का प्रवाह मौसम इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। को धोते हैं यार पहले ना, सारा ट्राइपॉड टूट गया है मेरा, बताओ यार नुकसान हो गया। कैसे पहले क्या कर रहे हैं? तो यहाँ पर चूल्हा तैयार हो रहा है और डेक धो दिया हम लोगों ने। दोस्तों यहाँ पर हम लोग सब्जी धो रहे हैं पहले सलाद के लिए, सैलेड के लिए। देखो और सर ये चाकू, तो आप थोड़ा लकड़ी ढूंढने जाते हैं सब्जी। छोड़ दो नोनू बाजू तुम बोतल की दारू रम। यार टमाटर नहीं मिल रहा, ये तो चलो ये है टमाटर, ये है टमाटर नहीं हमारा मटन भी नहीं मिल रहा है। तो मैं जा रहा हूँ आप लकड़ी ढूंढने के लिए, एक मोटी सी लकड़ी चाहिए, पतली तो मिल रहा है, बड़ा वाला चाहिए मोटा ना, जिससे मतलब देर तक रहे हो, जिससे हमारा खाना बन जाए, तो उसकी तलाश में हम लोग ढूंढ रहे हैं। देखो काम पर लगे सारे लोग, ये लोग सब्जी काट रहे हैं और यहाँ भी ये लोग सब्जी काट रहे हैं। चूल्हा जला दिया। आप लोग देख सकते हैं मेरे ब्लॉग के माध्यम से जंगल के रास्ते कैसे होते हैं और ख़ास तौर पर हमारे पहाड़ के जंगल किस प्रकार के होते हैं उनके रास्ते। थोड़ा घना जंगल देखिए आप लोग, नीचे नदी है। तो मैं जा रहा हूँ लकड़ी ढूंढने के लिए एक मोटी वाली। तो रास्ता देखिए आप लोग, रास्ता देखिए और जंगल देखिए आप लोग। ये नदी नीचे और यहाँ पर ना डर भी लग रहा है, अभी सांप तो नहीं दिख जाएगा कहीं, सांप तो नहीं है करके ना, सांप का डर भी है यहाँ पर। लकड़ी मिल नहीं रही यार, हाथ ऐसे हो गए ना, झोल झोल लग गया हाथ में, ये एक छीटा काम आएगा हमारा। तो गैस मुझे ना इतनी ही मिली, देखो लकड़ियाँ है ही नहीं जंगल में पूरी लकड़ी। तो गैस यहाँ पर देखो ना, मतलब मज़ा आ गया सर, आप लोगों ने बढ़िया कर रहे हैं, सर लोग भी बहुत हेल्प कर रहे हैं हमारी। तो टेक वहाँ पानी गर्म कर रहे हैं और पानी किस लिए गर्म कर रहे हैं हम, चावल के लिए, चावल के लिए पानी गर्म हो रहा है। तो ला मैं ला रहा हूँ बस, और ये चूल्हा तैयार हो गया, आग जल गई है, देखो बस बनने वाला है हमारा सामान। तो यहाँ पर तैयारियाँ जो है ना प्रॉपर तैयारियाँ चल रही हैं, यहाँ पर कंटिन्यू चल रही हैं तैयारियाँ। ये देखो अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं यहाँ पर सर, हम मार्केट से ये है देसी अपना, देसी अपना अभी आपको कच्ची धानी समझाया था दोस्तों, हाँ ठंडे प्रोसेस से बन रहा है, तो इसमें जब गर्म नहीं होगा तो इसके स्वाद इसी में बरकरार रहेंगे। ये देखो बिल्कुल पेस्ट, लेकिन यहाँ मिशी बनाएंगे पेस्ट अपना बढ़िया वाला, मजा आ जाएगा। और ये सर बना रहे हैं पर अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं, ये है देसी, देसी पहाड़ी तरीके से यार, देसी नहीं पहाड़ी, पहाड़ी अपना पहाड़ी। टमाटर भी काट दिए है और सर ने प्याज काट दिए बहुत अच्छा सर, वेरी गुड वेरी गुड। गाइस देखिए जंगल में खाना बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, देखिए कितनी मेहनत लग रही है गाइस, दूर दूर से लकड़ी लानी पड़ रही है। और यहाँ पे आ चुके हैं विनीत सर, माही पहाड़ी ब्लॉग्स को हाई कर दीजिए। गाइस बन चुका है देखो प्याज टमाटर, यहाँ पर फ्राई हो रहा है प्याज यहाँ पर, हाँ आज ये मर्दलिया सर लग रहा है।
तो मोबाइल आग लगी तब भी जूम आउट कर ले यार, क्या बात कर रहे हैं। ठंडा हो जाएगा, चलो कोई नहीं ना ना, नीचे लग रहा है तला। ये आपकी आंख देखो, ये कभी तेज हो रही कभी धीरे हो रही है। वाओ गाइस देखिए, ये देखो गाइस, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ हमने पानी रखा है, देखो ये, क्योंकि इससे ये फायदा है ना कि तला नहीं लगेगा नीचे, मतलब हमारा मटन है वो जलेगा नहीं, मतलब कहने का मतलब ये हुआ। देखो आप ₹10 भी ला जा, पर पे बटना जा बोझ तुम्हारी बोरी लगाना। खाली खराब होगा बाप रे। तो गाइस मटन के बाद ना लास्ट में हम डालते हैं टमाटर, थोड़ा समय लगेगा, चीज दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए आप लोग, मजा आ जाएगा यार गाइस, मतलब ना मुंह को पानी आ रहा है मेरा, तो क्या करूँ अभी, खा लूँ इसको। ये देखो मजा आ गया, आराम से माई माई नहीं पीछे खिसक रहा है। और ये चावल हमने भिगाने के लिए रख दिए हैं, चावल हमारा रेडी है, चावल रेडी हो चुका है। तो मोबाइल जलाएगा भाई स्टाइल है। अच्छा नहीं हो रहा, बढ़िया हो रहा है, तो इसलिए तो मैं रोटेट करता था। ना ना इंश्योरेंस नहीं ये है। तो गाइस खाना रेडी है, अंधेरा भी हो चुका है, 6 बज चुके हैं, हम लोग खाते हैं बस, खाना हमारा रेडी है, खाना रेडी है और अंधेरा भी हो चुका है। देखो आप लोग, तो खाना बन चुका है, बस लाते हैं, बस डालते पत्ते में खाते हैं हम लोग, खाना रेडी है हमारा। इसमें निकालो कितने लोग हैं। ठीक गाइस, हमारे पत्ते लग चुके हैं, देखो तो पत्ते लग चुके हैं, बस खाने की तैयारियां हैं, प्लेट लग गई हमारी, रेडी हमारा। तो दोस्तों खाना भी हमारा हो चुका है, और देखो रात हो गई है, देखो 7 बज चुके हैं, अब हम लोग भी निकलते सीधे घर को, देखो कितना बढ़िया है यार शाम के लिए। तो दोस्तों ये देखो ना, खत्म हो चुका है, जिसको खाना आ जाओ, अभी मैं यहीं हूँ, मैं अभी तो यहीं जा रहा हूँ। हमारा इतना हमारा चावल बच गया है, और इतना हमारा मटन बच गया है, खोलो, इतना मटन बच गया हमारा, शाम को खाएंगे इसको हम लोग, वाह शाम को खाएंगे इसको। लोग सब पीस ठीक ही रहा है फिर, और खाना भी हो चुका है हम लोग का, अब हम लोग भी निकलते हैं, इसको यहाँ पर सफाई करते हैं, कूड़ा नहीं करेंगे बिल्कुल भी नहीं, यहाँ वो आग भी बुझा के जाएंगे, और हम लोग भी निकलते हैं, रात हो चुकी है, बाघ का डर है बहुत ज़्यादा, मतलब हम लोग, हम बहुत लोगों को दिक्कत यहाँ पर, तो हम लोग ने इसको ऊपर बुझा के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ आग न लग जाए ना, तो उसमें पानी डाल रहे हैं हम लोग।
हाँ डालो और ले आओ। क्योंकि आपको बुझा देते हैं ना, ले जाते हैं यहाँ से, क्योंकि ठीक नहीं है ना, अच्छा लगता, खाली आग लग गई तो बवाला हो जाएगा, तो आग बुझा देते हैं। कहाँ देखो, आग पूरी बुझा दी हमने, अब हम लोग भी चलो भी सब कुछ बढ़िया रहा, ठीक रहा, और हम लोग भी निकलते हैं अपने घर को, क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है दोस्तों, अंधेरे में ज़्यादा ठीक नहीं है, जंगली जानवर आ सकते हैं यहाँ पर, कुछ भी हो सकता है, पर रात हो चुकी है, तो हम लोग निकल रहे हैं। अब कैसा रहा रात? बहुत बढ़िया रहा आज का दिन, बहुत बढ़िया रहा, लखा बनने में थोड़ा टाइम लगे मगर बहुत अच्छा बना था, बहुत मज़ा आया आज। थोड़ा इतना उजाला कहाँ से आ रहा है भैया? अपना सामान, अपना मोबाइल सब देख लें। अब हो गई रात, चलो सर चलो भाई, ये दो डेग है ना। हाँ निकलते दोस्तों, हम लोग भी काफी अंधेरा हो चुका है, पीछे देख सकते हैं हमारे सल्लू भी, सबने लाइट दिला दी, फ्लैश दिला दिया। रात के 11 बज चुके हैं, ना ना ना, रात में आराम से, आराम से, आराम से, रात के 11 बजे आराम से, आराम से, तो गाइस हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं रोड पर, और ये हमारी स्कूटर है यहाँ पर, और गाड़ी हमने जो है ना फोर व्हीलर वो नीचे लगा रखी है पार्किंग में, तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं यार, सर लोग भी आ गए हैं। चलो सर ठीक है फिर, ओके दोस्तों, मिलते हैं बल्टा मोड़ पे, ठीक है सर, ठीक है सर, सर मैं, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, मिलते हैं, आराम आराम से आना, ठीक है सर, ठीक है, स्पीकर हम ले जाएं क्या करें? हाँ ले आओ, चलो सर, चलते सर, चलो गाइस देखो यार क्या रोड, मतलब बहुत खतरनाक रोड है, बहुत ही खतरनाक हो गया आज तो मामला। खिड़की माँ भैरोली, खिड़की माँ भैरोली, छुट्टी लो बट बाटा चैरली मेरो मायाली। ये है दोस्तों एनटीडी है, वो यहाँ पर है, एनटीडी में है हम अभी हम लोग। ठीक है सर, बाय बाय। तो भाई हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं घर, तो हम लोग घर पहुंच चुके हैं, काफी ज्यादा लेट हो चुका है हमें, तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों, हम मिलते हैं दोस्तों आपको एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, टाटा, बाय बाय।